मैं भी राजी हूँ, लड़की भी राजी है, घर वाले राजी है, मेरे घर वाले राजी नहीं हैं। बहरहाल उसके, अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम जानो तुम्हारे घर वाले जानो, ये क्या मसला है। बहरहाल अगर तुम बाहया औलाद हो तो एक औरत के लिए माँ बाप को न ठुकराओ, बाकी शादी तुम कर सकते हो। माँ बाप का क्या है, माँ बाप तो तुम्हें और भी मिल जाएंगे ना किराए पर, लेकिन ये लड़की तो मेरे मौका चला गया तो नहीं मिलेगी। अल्लाह के बंदे वाले रहम के हुक्म की तामील करो, अगर वो फरमाते हैं ना करो तो ना करो। हजरत इब्राहिम जब तशरीफ लाए थे मक्का में, तो हजरत इस्माइल के घर में अपने बेटे को मिलने के लिए आए थे। हजरत इस्माइल घर में नहीं थे, तो उनकी बीवी थी, पूछा कि ये नहीं बताया मैं कौन हूँ। नहीं नहीं इस्माइल इस्माइल, उन्होंने कहा जी इस्माइल शिकार पे गए हैं। अच्छा, उस जमाने में शिकार ये तो नहीं होता था घंटे के बाद वापस आए, वो तो बच्चे आते थे और तीर को मारने कई के दिल लग जाते थे। तुमने तो मैं, अच्छा तुम लोगों का गुजर बसर कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा बुजुर्ग क्या पूछते हो, बड़ी तंगी है, वो शिकार करके वो परंदे शिरंदे ले आते हैं, कभी मिल गए कभी ना मिले, तो या फिर दमदम का पानी है, और तो यहाँ कुछ है नहीं, हम बड़े तंग हैं। उन्होंने फरमाया अच्छा जब तुम्हारा खामंद वापस आ जाए तो उन्हें कहना कि एक बुजुर्ग आए थे और सलाम भी कह रहे थे, और ये पैगाम भी दे देना कि भाई ये अत बदबाविक अपने दरवाजे की चौखट को बदल डाल। हजरत इब्राहिम इस्माइल जब वापस आए तो पूछा कि वो कौन, उन्होंने कहा ऐसे एक बुजुर्ग थे, शको ने खुदा की बंदी, वो तो मेरा बाप था। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें कुछ कहा भी, उन्होंने कहा पूछा था कि कैसे गुजर बसर है, मैंने कहा बड़ी तंगी है, तो उन्होंने कहा कि खामन जब आए कह देना भाई ये अत बदबा है। उन्होंने कहा मेरा अब्बा मुझे हुक्म दे गया मैं तुम्हें तलाक दूँ, अले की लिया जाओ मैं तुम्हें तलाक। जब बाप ने कह दिया बात खत्म हो गई। इन पे तो इश्क का भूत सवार है ना, इसलिए इनको ना बाप नजर आता है और ना माँ नजर आता है। वैसे इसका बेहतरीन इलाज ये होता है कि माँ बाप दो अच्छे नौजवान मुश्तंडे बुला के इसको बांध के सुबह शाम तीन चार दिन तल मारे ना, तीन चार दिन में इंशाल्लाह इश्क निकल जाएगा। इश्क ऐसे भूत है, पांच मिनट रुकते हैं सारे। कोई गुनाहगार नहीं हो पाएगा, उस लड़की को तुमसे अच्छा शौहर मिल जाएगा, और तुम्हारी तो पहले शादी है, वरना जहाँ वालिदैन कहें वो करो। आज बच्ची या नौजवान, लड़का हो या लड़की, वो दिल से सोचते हैं, वालिदैन अकल से सोचते हैं कि कहाँ रिश्ता मुनासिब है कहाँ नहीं।